नीटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द। जो भी आपके पास छोटे बचे हुए पीस हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसको बनाने के लिए हमारे को एक स्क्वायर पीस कट करना है। ये देखिए 3.5 इंच का स्क्वायर पीस है ये। ये देखिए एक कार्डबोर्ड लेंगे और इस तरीके का स्क्वायर पीस आप बना लेंगे। उसके बाद ये देखिए जैसे अभी हमारे पास ये कपड़ा है इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरीके से ऐसे नाप लेंगे तो हमारे पास ये कपड़ा इधर इतना आ जाता है। ये देखिए ऐसे, और इसको हम एक और फोल्ड करेंगे, ये देखिए ऐसे, फिर एक फोल्ड हम और करेंगे ऐसे। आपने ये देखिए इस तरीके से एक साथ आपके काफ़ी सारे पीस इसके अंदर से कट जाएंगे। इस तरीके से आपने पीस कट करने हैं और यहाँ पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। दूसरा, ये कट करते समय ये देखिए जैसे मेरे पास ये पीस है, यहाँ पर ये किनारी बनी हुई है तो ये देखिए मैंने जो कपड़ा लिया वो मैंने यहाँ से लिया, ये मैंने छोड़ दिया तो एक लंबा पीस है। ये देखिए ये एक लंबा पीस है मेरे पास। ये देखिए तो इसको वेस्ट ना करके हमने क्या करा, यहाँ से इसको लिया हमने कपड़े को, यहाँ से कपड़े को लिया और यहाँ से हमने छोड़ दिया। तो यहाँ से हम जैसे सलवार बनाते हैं उसमें नाड़ा पट्टी बनाते हैं, नाड़ा पट्टी बनाने के लिए ये हमारा जो है यहाँ पर ये काम आ जाएगा। तो ये जो हम यहाँ पर इस पट्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से इसको स्क्वायर पीस कट कर कर इसे रेडी करूँगी। देखिए स्क्वायर पीस हमने कट कर लिए हैं। जो भी आप कलर लगाना चाहते हैं इसी तरीके से स्क्वायर पीस कट कर लेंगे। अब देखिए इसे हम फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करना है। फिर एक और लेंगे पीस, इसको भी हमने ऐसे ही फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे। ये देखिए दोनों का, ये देखिए ओपन वाला पार्ट हमारा एक साइड है, इन दोनों को इक्वल करेंगे कॉर्नर इसके ये ऐसे, और इसको बीच में से यहाँ से हम सिलेंगे। अब एक पैर की सिलाई लेंगे यहाँ से, ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे ही करेंगे। दूसरा पीस लेंगे, आप पिन लगाकर भी इसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे लेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे और इसको सिलेंगे। जो भी कलर लगाना चाहते हैं इसी तरीके से आप उनको बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बनाकर सभी कलर के इनको बनाकर हम सेट करेंगे। देखिए फ्रेंड स्टिच कर कर इसे मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए और ये देखिए कुछ पीस हम स्क्वायर पीस ऐसे ही रखेंगे जिन्हें मैं लगाना बताऊंगी। बेस के लिए हम कपड़ा लेंगे, जो भी साइज़ आप बनाना चाहेंगे वो आप कपड़ा लेंगे, मोटा कपड़ा लेंगे। मैंने ये पैंट का कपड़ा लिया है पुरानी पैंट में से। ये देखिए अब इसको हम ऐसे रखेंगे, और ये वाले जो हमारे स्क्वायर पीस हैं इसको हम इसी तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे और ये ऐसे करेंगे, और अब हम इसे सिलेंगे। देखिए अब हम सिलेंगे ऐसे ही स्क्वायर पीस का, हम ट्रायंगल बना लेंगे और इसको हम ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। ये मैं विड्थ वाली साइड लगा रही हूँ, ऐसे ही सेम हम दूसरा पीस भी लेंगे और इसका ट्रायंगल बनाएंगे और इसको हमने इस साइड में लगाना है। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए इस तरीके से लगाकर हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फर्स्ट रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड रो में देख लिए इस तरीके से हमने पिन लगानी है। ये देखिए ये हमारा कॉर्नर है, जो ये इस पीस को ऐसे रखेंगे और इस कॉर्नर से टच कर देंगे और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। ये देखिए इसी तरीके से आप पूरे में भी सेटिंग कर सकते हैं और साथ साथ भी आप इसमें पिन लगाकर इसे सिल सकते हैं। अब ये देखिए इसे सिलेंगे कैसे हम, ये देखिए ये वाला जो कॉर्नर है इसके यहाँ पर हमारी नीडल आनी चाहिए, यानी एक पैर की सिलाई हमारी यहाँ पर आएगी। ये देखिए ये यहाँ पर सिल गया, फिर ऐसे ही हम आगे जाएंगे
ये यहाँ पर हमने इसको ऑर्डर कर सकना ये ऐसे, फिर ये देखिए इस कॉर्नर को यहाँ से, और इसको हमने यहाँ से सिलना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से अब हम पिन को हटा सकते हैं, ये यहाँ पर सिल गया। अब हम दूसरी साइड सिल लें। अब हमें इस कॉर्नर पर से कैसे सिलना है, यहाँ पर पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगती है तो आप यहाँ पर पिन लगाकर भी इसे सिल सकते हैं। सभी सिलाई का साइड जो है आप राइट में रखेंगे या फिर आप लेफ्ट में रखेंगे। और देखिए यहाँ से ऐसे तब हम करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा कॉर्नर निकल जाता है। या तो आप इसके अंदर जो है इसके ऐसे दबा कर इस तरीके से सिल सकते हैं, या फिर इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये हमारा कॉर्नर निकला, इसको यहाँ से हम थोड़ा सा कट कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो आप ऐसे भी कट कर कर इसे सिल सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ से हमने, ये हमारी सेंटर वाली सिलाई है, इसके यहाँ से लेकर आ रही हूँ, एक पैर की सिलाई लेते हुए और यहाँ से लेते हुए इस कॉर्नर पर, ये देखिए ये वाला जो हमारा कॉर्नर है ये यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसी कॉर्नर पर इसको सिल देंगे यहाँ। ये देखिए फिर इस कॉर्नर पर लेकर आएंगे, देखिए ऐसे, ये देखिए ये यहाँ से हमने इसको सिल दिया। सेम ऐसे ही हम अपने कलर को चेंज करेंगे, ये देखिए इसी तरीके से ये ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे और यहाँ से इस कॉर्नर पर भी सिल कर आपको। अब हम कलर को चेंज करेंगे, यहाँ पर कॉर्नर पर से लेकर आएंगे और इसको सेम ऐसे ही इस कॉर्नर पर ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पर आपने कॉर्नर पर देखना है कि आपकी कॉर्नर में जो सिलाई आएगी वो बीच वाली सेंटर वाली सिलाई पर आएगी, या फिर आपको एक पैर की सिलाई का गैप देना है, वो आपने अपने कॉर्नर के हिसाब से आपने सेट करना और उस पर आपने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ऐसे रखेंगे और इस कॉर्नर को इसके ऊपर ऐसे, ये देखिए ऐसे रखेंगे और इसे सिलेंगे। आप पिन लगाकर भी सेट कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया, या फिर आप डायरेक्ट जैसे मैंने किया सेम ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे करते हुए हम इसे पूरा कलर चेंज करते जाएंगे और इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इसे बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब साइड में हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए आप सिंपल बॉर्डर भी बना सकते हैं, जैसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे, या फिर आप सिंगल स्ट्रिप लेंगे उसे बैक साइड से ऐसे सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगाने के बाद सीधा करेंगे और इसको इस तरीके से ऐसे कर कर भी बॉर्डर बना सकते हैं, या फिर आप फ्रिल बनाकर बॉर्डर बना सकते हैं। तो मैं फ्रिल वाला बॉर्डर बनाऊँगी। इसके लिए मैंने ये देखिए इसकी विड्थ लिया मैंने 4 इंच और लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना बड़ा बनाएंगे उसके हिसाब से आपको ये फ्रिल चाहिए। तो ये देखिए ऐसे रखेंगे और इसको हम इस तरीके से ये ऐसे करेंगे, चारों तरफ से इसी तरीके से फ्रिल बनाकर इसे हम रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैट बनकर हमारा रेडी हो गया।